हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। अक्सर मैं आपके सामने नई नई जानकारी लाता रहता हूं, और आज जो आपके सबसे ज्यादा कमेंट आ रहे हैं वो नई शिक्षा नीति को लेकर आ रहे हैं। नई शिक्षा नीति लागू हो चुकी है। बहुत से भाई बहनों के मन में ये शंका है कि सर, वर्ग एक और वर्ग दो की जहाँ पर हमारा वेरिफिकेशन होना है, क्या उस पर असर पड़ेगा। बहुत से भाई बहन ये जानना चाह रहे हैं कि सर, वर्ग तीन की अभी एग्जाम भी नहीं हुए, तो क्या वर्ग तीन पर भी असर पड़ेगा नई शिक्षा नीति का। चूँकि मेरा चैनल जो है दोस्तों, वर्ग एक, वर्ग दो और वर्ग तीन से जुड़ा हुआ है, और जो नई शिक्षा नीति है उसमें यदि आप देखेंगे कि किस तरह से शिक्षकों की भर्ती की जाएगी, तो तीन चरणों में शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। यानी कि तीन जो चीज़ें हैं वो नई जोड़ी गई हैं। पहला तो ये कि आप कोई टेट क्वालिफाइड होना चाहिए, और ये भी कहा गया कि या तो सी टेट हो, या फिर जो विभिन्न राज्य में टेट होते हैं जैसे यूपी टेट हो गया, एमपी टेट हो गया, आर टेट हो गया, वो क्वालिफाइड होना चाहिए। यानी कि एक ना एक तो पात्रता परीक्षा लेनी अनिवार्य ही है। तो आप देख रहे हैं कि वर्ग एक और वर्ग दो जो है वो टेट हुआ था एमपी टेट के नाम से, वर्ग तीन का भी एमपी टेट के नाम से हो ही रहा है। तो दोस्तों, ये इसके अलावा जो सेकंड चरण है उसमें क्या है कि एक डेमो क्लास, जो मैं नई शिक्षा नीति के अंतर्गत बता रहा हूँ, एक डेमो क्लास जो कि 7 या 8 मिनट की होगी, उसकी रिकॉर्डिंग की जाएगी, और ये देखा जाएगा कि आपकी जो पढ़ाने की स्केल है, जो समझाने की स्केल है, वो कैसी है। और ये स्केल आपने जब बीएड या डीएड या डीएलएड की थी उस समय भी डेवलप की गई थी। यानी कि आपको स्कूलों में पढ़ाने के लिए भी भेजा गया था, और कैसे पढ़ाया जाता है वो भी आपने सीखा ही है। तो उसी स्केल का जो आगे की आपकी भर्ती होगी उसमें ये टेस्ट की जाएगी स्केल। इसके अलावा एक इंटरव्यू का भी प्रावधान रखा गया है। इंटरव्यू जो है बीआरसी जो ऑफिस होते हैं उनमें, या आपके बीओ ऑफिस होते हैं उनमें, कहीं भी ऑर्गेनाइज किया जा सकता है, और वो इंटरव्यू भी आपको फेस करना होगा। यानी अब इसके तीन कैटेगरी में आपको भाग लेना होता है। पहला कैटेगरी के कोई भी टेट क्वालिफाइड करना होगा, आपको डेमो क्लास सही से होना होगा क्योंकि उसका भी महत्व है, और आपको इंटरव्यू भी देना होगा। यहाँ पर मांग ये उठ रही दोस्तों कि जो इंटरव्यू है उसका जो प्रावधान है वो यहाँ से हटाया जाए या खत्म किया जाए, ऐसे बहुत से लोगों ने जो सजेशन भी दिए थे। अब इस पर बहरहाल क्या निर्णय होता है, क्योंकि अभी तो यही कहा गया कि तीन कैटेगरी में आपको टीचर की जो भी योग्यता है उसे टेस्ट करना ही होगा। एक टेट के माध्यम से जो कि हम लिखित परीक्षा मान सकते हैं, एक आपके डेमो क्लास के माध्यम से जिसमें हम पढ़ाने की स्किल को जज कर सकते हैं, और थर्ड जो है वो इंटरव्यू के माध्यम से जिसमें कि क्वेश्चन और आंसर हो सकती हैं। ये तीन स्किल्स इसमें बताई गई। अब सबसे बड़ा ये है कि वर्ग एक और वर्ग दो और वर्ग तीन पर प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। दोस्तों, जहाँ तक हम वर्ग एक और वर्ग दो की बात करें, ये आपके 28/8/2018 के आदेश अनुसार भर्ती कर रहे हैं, और उस समय आपकी जो शिक्षा नीति है 2019-20 के नाम से हम इसे जानते हैं, और 2020 में ये लागू हुई है, उस समय ये नहीं आई थी, ना ही ये लागू की गई थी। तो आपके यदि आप नोटिफिकेशन देखेंगे, 28/8/2018 का आदेश देखेंगे, उसमें आपके वर्ग एक, वर्ग दो और वर्ग तीन तीनों का ही जिक्र किया गया है। और जहाँ तक हम बात करें वर्ग एक और वर्ग दो, उसका आप नोटिफिकेशन देखेंगे दोस्तों, तो उसमें एक चीज़ लिखी गई है जो कि मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। मैं वर्ग दो का हवाला दे देता हूँ। इसका नोटिफिकेशन आपको प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की साइट से मिल जाएगा। वर्ग दो में लिखा है, नोटिफिकेशन है, मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक के लिए पात्रता परीक्षा 2018 परीक्षा संचालन एवं भर्ती नियम पुस्तिका। भर्ती नियम पुस्तिका, भर्ती नियम पुस्तिका कौन सी कहलाएगी आपकी। 28/8/2018 का आदेश है, उसके अनुसार नियोजन प्रक्रिया हो रही, और जो आपकी नोटिफिकेशन है उसके अनुसार, तो उसमें जो नियम दिए गए हैं उसी के अनुसार वर्ग एक और वर्ग दो की भर्ती होनी है। यहाँ पर आप बिल्कुल भी ये ना लें कि वर्ग एक और वर्ग दो पर कोई भी असर पड़ेगा नई शिक्षा नीति का, क्योंकि आपकी भर्ती पुरानी है। अब जो आगे चल के भर्ती होगी जैसे वर्ग तीन का, मैं उसका भी बताने वाला हूँ और नोटिफिकेशन के अनुसार बताने वाला हूँ। लेकिन जहाँ तक वर्ग एक और वर्ग दो की बात करें, आप पर कोई असर नहीं पड़ना है, क्योंकि आपके नियम ये थे कि आपको क्या है कि जो एग्जाम लिया जाएगा, यानी कि एमपी टेट वर्ग एक या वर्ग दो, उसमें अच्छे नंबर लाने हैं, उस मार्क्स के आधार पर जो अंक सूची जनरेट होगी, और सेकेंड ये है कि आपके डॉक्यूमेंट्स वैलिड पाए जाते हैं, तो फिर आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। ये इसका प्रोसीजर था पूरा। इसमें कहीं भी डेमो क्लास, कहीं भी इंटरव्यू का प्रावधान था ही नहीं, और ये नियम पुस्तिका थी।
जैसे कि आप देख रहे हैं ऊपर क्या लिखा हुआ है, वर्ग एक या वर्ग दो, और वर्ग दो में भी आप देखेंगे दोनों में सेम इबारत लिखी हुई है, मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक के लिए पात्रता परीक्षा 2018 परीक्षा संचालन, यानी कि परीक्षा संचालित करने उससे संबंधित नियम, एवं भर्ती नियम पुस्तिका, भर्ती नियम पुस्तिका के नाम से भी ये जानी जाती है दोस्तों। तो जो भर्ती नियम पुस्तिका है उसमें कहीं भी इंटरव्यू का प्रावधान नहीं है, डेमो क्लास का प्रावधान नहीं है, और साथ में आप देखेंगे कि 2019-20 की जो शिक्षा नीति है उसका भी कहीं भी जिक्र है ही नहीं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर वर्ग एक और वर्ग दो वाले कहीं भी कन्फ्यूजन में ना हो, आपका सिर्फ एक ही काम होना है, और वो होना है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और वो जैसे कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग होनी है। ये हो गया वर्ग एक और वर्ग दो, तो इसका असर वर्ग एक और वर्ग दो की जो भर्ती है उस पर नहीं पड़ेगा, आगामी भर्ती होती है वर्ग एक और वर्ग दो के उसमें देखने को मिल सकता है। अब हम चलते हैं वर्ग तीन पर, वर्ग तीन का नोटिफिकेशन हम वर्ग एक और वर्ग दो से मैच करके देखेंगे कि क्या इसमें असमानता है, और जो वर्ग तीन का नोटिफिकेशन है वो आपकी नई शिक्षा नीति है 2019-20 उसके हिसाब से ही डेवलप किया गया है दोस्तों, क्योंकि इसमें पहले से वो प्रावधान रखे गए हैं जो आपके 2019-20 शिक्षा नीति में बताए जा रहे हैं, तो इस पर लागू होने की संभावना हो जाती है, लेकिन कैसे हो जाती है वो मैं आपको सबूतों के आधार पर बताने जा रहा हूँ। तो आपको डाउनलोड करना है वर्ग तीन का नोटिफिकेशन, इसमें लिखा है मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा प्राथमिक शिक्षक के लिए पात्रता परीक्षा 2020 परीक्षा संचालन नियम पुस्तिका, परीक्षा कैसे करानी है उसकी नियम पुस्तिका है, चूंकि ये आपके भर्ती नियम पुस्तिका नहीं है, यदि भर्ती नियम पुस्तिका लिखा होता तो फिर आपकी इसमें पोस्टें भी डिक्लेयर हो जाती वर्ग तीन की, जो नोटिफिकेशन जारी होता उसमें पोस्टें आ जाती, चूंकि अभी तक पोस्टें डिक्लेयर नहीं की गई हैं, ये सिर्फ एक क्या है आपका एग्जाम है, और उस एग्जाम को कैसे कराना है उसकी पुस्तिका जारी की गई है। दोनों में आप अंतर देखना चाहें तो दोनों को डाउनलोड कर लें, दोनों की इबारत पढ़ें। पहले हम वर्ग तीन की इबारत पढ़ लेते हैं, मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा प्राथमिक शिक्षक के लिए पात्रता परीक्षा 2020 परीक्षा संचालन नियम पुस्तिका, यहाँ तक ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों वर्ग दो का, वर्ग दो का यदि आप देखेंगे यहाँ पर तो लिखा हुआ है परीक्षा 2000, इसमें लिखा है मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक के लिए पात्रता परीक्षा 2018 परीक्षा संचालन एवं भर्ती नियम पुस्तिका, भर्ती नियम पुस्तिका, तो वो भर्ती नियम पुस्तिका भी थी। अब इसमें हम वर्ग तीन के नोटिफिकेशन को और अच्छे से जान लेते हैं दोस्तों, और इसमें हम चलते हैं आपके पेज नंबर 4 पर, पॉइंट नंबर 6 स्पष्टीकरण, स्पष्टीकरण के अंतर्गत हम पहला पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट क्या लिखा है, पात्रता परीक्षा में आहरणकारी अंक प्राप्त करने मात्र से नियुक्ति हेतु दावा नहीं किया जा सकता। इसमें आप पासिंग मार्क ले आते हैं, आपका जो 75 नंबर आपको चाहिए जो रिजर्वेशन वाले हैं, 90 नंबर जनरल वालों को चाहिए, तो उससे आप ये दावा नहीं कर सकते हैं कि हमें ज्वाइनिंग दे दें। ये सेम इबारत आपके वर्ग दो और वर्ग एक में भी थी। इसका मतलब होता है दोस्तों कि आपके डॉक्यूमेंट्स वैलिड पाए जाएंगे तभी आप दावा कर सकते हो कि हमें ज्वाइनिंग मिलेगी, अथवा आप सोच रहे हो कि हम अच्छे नंबर ले आए और कोई भी डॉक्यूमेंट्स में कोई कहीं भी कुछ भी परेशानी आई तो वहां पर भी आपकी जो ज्वाइनिंग है वो रद्द की जा सकती है। इसके आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 6 पर देखें दोस्तों, जो आपका नोटिफिकेशन वर्ग तीन का, यह स्पष्ट किया जाता है कि प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में अहंकारी अंक प्राप्त करने मात्र से किसी पद विशेष पर भर्ती का दावा नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि प्राथमिक शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु कई पात्रता की शर्तों में से ये एक शर्त को पूरी करती है। यहाँ पर देख रहे हैं कई पात्रता शर्तों में से सिर्फ एक शर्त पूरी कर रही है। जैसे कि मैं उदाहरण दे दूं कि आप किसी भी टेट एग्जाम में बैठेंगे, किसी भी टीचर के एग्जाम में, तो पहली शर्त क्या है कि आपके पास बीएड या डीएड या डीएलएड होना चाहिए, ये पहली शर्त है, ठीक है। अगर मान लो आपके पास ये हो ही नहीं और आप कहो कि हम तो पात्रता परीक्षा में बैठेंगे तो वो वैलिड नहीं है। इसी हिसाब से ये एक शर्त पूरी कर रही है बहुत सारी शर्तों में से, है ना, कई पात्रता की शर्तों में से सिर्फ एक शर्त पूरी कर रही है, तो एक शर्त पूरी कर रही है, और एक शर्त यही है कि आपका जो एग्जाम होगा उसमें आपको अच्छा स्कोर लाना पड़ेगा, पहली शर्त ये है। फिर इसके आगे जो नई शिक्षा नीति है उसे भी इसमें लागू किया जा सकता है, या फिर हो सकता है कि कुछ छूट दी जाए,
वो हमें आगे मालूम चलेगा। लेकिन अभी आपको क्या है कि इसमें बेस्ट स्कोर लाना है, उसी के आधार पर आप आगे की प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। यदि स्कोर अच्छा नहीं आया तो आपकी जो एक कहें कि जो टीचर बनने का ख्वाब है वो यहीं रुक जाता है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि पढ़ाई पर फोकस करें और अच्छे नंबर लेकर आएँ, जिससे कि आगे की जो प्रक्रिया उसमें भी भाग ले सकें। अब इसमें और लिखा हुआ है, पेज नंबर 10 पॉइंट नंबर 2 के अनुसार विभाग द्वारा आयोजित द्वितीय परीक्षा, विभाग द्वारा आयोजित द्वितीय परीक्षा का भी प्रावधान आपके नोटिफिकेशन में दिया गया है। पेज नंबर 10 पॉइंट नंबर 2 के अनुसार द्वितीय परीक्षा में आपका इंटरव्यू हो सकता है, और जैसे कि शिक्षा नीति में बताया गया कि एक डेमो क्लास, तो वो भी हो सकती है। तो इसमें आपके जो नोटिफिकेशन निकाला गया वर्ग 3 का, वो शिक्षा नीति को, जो नई शिक्षा नीति लागू होनी थी, उसे ध्यान में रखते हुए ही दोस्तों डेवलप किया गया है। तो क्योंकि जो आपके अब एग्जाम होंगे 2020 में होंगे, और आपकी भर्ती जो होगी वो 2021 या 22 के समथिंग होगी, 2021 में हो सकती है, तो तब तक ये जो शिक्षा नीति है वो लागू होनी है। तो यहाँ पर आपका जो भी नोटिफिकेशन डेवलप किया गया है दोस्तों, वो नई शिक्षा नीति के तहत ही किया गया है वर्ग 3 का। हालांकि इसका जो जिक्र था वो 28/8/2018 के आदेश में था दोस्तों, लेकिन आप देख रहे हो कि वर्ग 1 और वर्ग 2 का नोटिफिकेशन था वो भर्ती नियम पुस्तिका भी था, जबकि वर्ग 3 में लिखा है परीक्षा संचालन नियम पुस्तिका, भर्ती नियम पुस्तिका नहीं लिखा हुआ है। इसलिए इसमें आपको जो है पोस्टों का भी अभी डिक्लेयर नहीं किया गया है। तो जो आपका पॉइंट नंबर 10 पॉइंट नंबर 2 के अनुसार विभाग द्वारा आयोजित द्वितीय परीक्षा में ये दोनों चीज़ें शामिल की जा सकती हैं, डेमो क्लास भी और आपका इंटरव्यू भी। लेकिन सबसे पहली चीज़ यही है दोस्तों वर्ग 3 के लिए, कि आपका स्कोर उस लेवल का होना चाहिए कि आप, जैसे कि मैं आपको उदाहरण दे देता हूँ पीएससी का, पीएससी में प्री होता है, प्री में से कुछ लोगों को छांटकर मेंस में बुलाया जाता है, जब वो मेंस अच्छे से दे लेते हैं तो उसमें से कुछ छांटकर उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, फिर जो मेंस है और इंटरव्यू है दोनों को जोड़कर उनका सिलेक्शन किया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो यही आप मान के चलें कि जब आप प्री में अच्छा करेंगे तो फिर मेंस आपके लिए द्वार खुल जाते हैं, जब मेंस में अच्छा करते हैं तो फिर इंटरव्यू के द्वार खुल जाते हैं। तो यहाँ पर आप जब पहली सीढ़ी चढ़ेंगे यानी वर्ग 3 में अच्छा स्कोर लाएंगे, तब फिर आगे टीचिंग के जो और नियम हैं वो आपके सामने आएंगे और उन्हें फॉलो करके आप एक टीचर्स बन सकते हैं। तो ये इसमें नीति है। तो वर्ग 1 और वर्ग 2 पर असर नहीं पड़ना, लेकिन हाँ वर्ग 3 पर इसका असर देखने को आपको मिल सकता है, जिसकी संभावना प्रबल है। अब जैसे ही आपका जब ये क्वालिफाइड हो जाएंगे आप, उसके बाद जो नियम पुस्तिका जारी होगी जो कि भर्ती के संबंध में होगी, उसमें आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि अभी ये जो परीक्षा संचालन हो रही है उससे संबंधित आपका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। वर्ग 1 और वर्ग 2 का बात करें तो उसके नोटिफिकेशन में लिखा गया था कि ये भी नियम पुस्तिका है, लेकिन वर्ग 3 में ये भर्ती संबंधी नियम पुस्तिका का ऐसा कुछ भी उसमें नहीं लिखा गया। तो इससे आप समझ सकते हैं कि जो वर्ग 3 का नोटिफिकेशन जारी किया गया है वो नई शिक्षा नीति के तहत ही जारी किया गया है दोस्तों। तो आई थिंक आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, और मैं यही कहूँगा कि आप बिल्कुल परीक्षा की तैयारी जारी रखें वर्ग 3 में, जिससे कि आप वो स्कोर ला सकें कि आगे जो भी आपके सामने एक टेस्ट रखा जाएगा उसमें भी आप बेस्ट कर पाओगे, जब पहले टेस्ट में आप अच्छे नंबर ला पाओगे। तो ये वीडियो एक सूचना मात्र था, आपने देखने के लिए इतना समय निकाला उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद।